Hey guys, welcome back to my new video. आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं बिग बॉस 17 पे, जिसके होस्ट हैं सलमान खान। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। और हम देखने वाले हैं कि कौन कौन नॉमिनेट हो चुका है और कौन 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 सी गेम खेल रहा है, क्या स्ट्रेटेजी रख रहा है। सारे विकी भाई तो नहीं है और सारे मुनव्वर भी नहीं है और सारे अनुराग बाबा भी नहीं है। अबे क्या बोल रहा है, बिलियन बॉल, बिलियन बॉल। तो हम रिएक्ट करने वाले हैं, आइए शुरू करते हैं। इस वीक की जो नॉमिनेशन है उसमें जिन लोगों के नाम आए, तो सबसे पहले हम नाम लेंगे अनुराग बाबा का, क्योंकि अनुराग बाबा पहले से ही नॉमिनेट थे। उनको करने की जरूरत भी नहीं थी किसी को, और यहाँ तक कि बिग बॉस ने भी कह दिया अगर आप उनको नॉमिनेट करेंगे तो आप अपना वोट जाया करेंगे, तो कोई जाया करने की जरूरत नहीं है। पर अगर वो बिग बॉस, मुझे लगता है कि अब अनुराग बाबा को ज्यादा टारगेट कर रहा है और यहाँ तक कि हम भी उन पे ज्यादा मीम बना रहे हैं, जिसका हमें थोड़ा ख्याल करना चाहिए। अगर वो बाहर आएगा तो वो क्या देखेगा कि भाई मैं तो गया था, मुझे लगा था खेलविश की तरह बाहर इतने सपोर्टर्स होंगे, पर कोई नहीं, उसके बारे में चलो हम बाद में बात करते हैं। उसके बाद जो है वो है विकी भैया की वाइफ अंकिता, अंकिता भी जो है ना वो नॉमिनेशन में है और अंकिता को भी बहुत टारगेट किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि अंकिता को तो बनारा जो है ना ज़्यादा ओवर एक्टिंग करके फंसा रही है। चलो अंकिता को भी साइड पे करते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे तेल का भैया, जो अपने घर से ही नॉमिनेशन हो गए, ठीक है, नॉमिनेशन में चले गए। तो तहलका भैया के बारे में भी बात करेंगे हम ही। अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि कौन से नॉमिनेट हो चुके हैं, तहलका भैया और अंकिता और बाबू भैया, और बाकी आ जाता है अभिषेक। तो नॉमिनेशन में हमारे कौन से आ गए, अनुराग भैया सबसे पहले थे, अंकिता आ गई, खानसादी आ गई, अभिषेक आ गया और तहलका आ गया। तहलका भैया अपने घर से ही थे। सबसे पहले आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं मुनव्वर से। मुनव्वर की स्ट्रेटजी एक ही है कि उसको खामोश रहना है, उसको कैमरा के साथ इज़ इमोशनल जो है ना रखना है कि भाई मैं इमोशनल हूँ और कुछ फनी सीन्स करने हैं, उसके बाद मुनव्वर की गेम नहीं है। और मुझे लगता है कि एक वे से अगर देखा जाए तो अगर आप हर गेम एक ही स्ट्रेटजी से खेलेंगे तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा। पर बिग बॉस हमारे लिए बनाया गया, मतलब हमारे लिए कि हम जो लोग ज़्यादा देखेंगे उनको जो है ना हमें मज़ा आएगा तो बिग बॉस चलेगा, वरना खाली गेम जीतनी है, खाली पैसे जीतने हैं तो उनको वैसे ही कोई बच्चों वाली गेम खिला दें। बट मुनव्वर की अब स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि लॉकअप में सही थी, बट अब यहाँ पे फेल हो गई है, क्योंकि एक तो मुनव्वर दिमाग के घर से दिल के कम रूम में गया और दिल के घर में मुनव्वर का कोई कुछ नहीं चल रहा, क्योंकि मुनव्वर को पता है कि उसने वो सारे स्ट्रेटजी जो है अपने अपने लोगों को बता दिया। अगर वो अब सेम रिपीट करेगा तो अब कहीं ना कहीं मनारा भी इसके खिलाफ है। तो अब दूसरे नंबर पे हम पकड़ लेते हैं मनारा को। मनारा की स्ट्रेटजी यही है कि उसको सिर्फ और सिर्फ ओवर एक्टिंग करनी है। मनारा की ओवर एक्टिंग हम सह सह के थक गए। बात सही है। मेरे जितने भी दोस्त हैं, पाकिस्तानी में बता रहा हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, हम बिग बॉस सब देखते हैं और हम सब एक ही बातें कर रहे होते हैं कि भाई यार ये कितनी ओवर एक्टिंग करती है। और यहाँ तक कि ऐसी लड़कियाँ किसी लड़के को भी पसंद नहीं होती यार, जो सारा दिन ओवर एक्टिंग करे, रोए, और वो जो भी बातें करती है ना आपको लग रहा होगा कि भाई साहब वो सीधा सीधा ओवर एक्टिंग कर रही है। तो मनारा ओवर एक्टिंग की दुकान है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि उसको सिर्फ पूजा की तरह प्रमोट किया जा रहा है। बिग बॉस जो 16 में था उसको प्रमोट किया जा रहा था, सेम उसको जो है ना एक खाली आगे दिखाने के लिए बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो मनारा को भी हम साइड करते हैं। अब बात करते हैं अरुण भाई के बारे में। अरुण भाई बिल्कुल सही जा रहे हैं और जो है ना तेलका भैया के साथ टीम बना के बैठे हैं। अरुण भाई बाहर भी निकलते हैं, तेलका भाई नहीं निकलता, पर अरुण भाई बाहर भी निकलते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। बट अरुण भाई अनुराग से सही नहीं है। वो अनुराग, अगर अनुराग से सही नहीं है वो अच्छी बात है, बट वो अनुराग को बुलाता है, अनुराग से बातचीत करता है, अनुराग के साथ सही रहता है। उसके बाद जैसे ही अनुराग गया वो डायरेक्ट सारा तेलका को बोलता है कि इसको मारना है, इसके पीठ में छुरा घोंपना है। पर वो दिल में बात रखने वाला है, वो दिल में बात रखने वाले को देखो, अगर अनुराग भी अगर ये एक चीज करे तो हम अनुराग को गलत बोलते, पर अनुराग ने कोई भी पीठ पीछे छुरा नहीं मारा अभी तक, वो चीज अरुण और तेलका कर रहे हैं। तो ये चीज में थोड़ा बाहर वो गंदा दिख रहा होगा और मेरे ख्याल से मैं उसको गंदा देख रहा हूँ। बाकी आप अपने राय कमेंट्स में दीजिए। तहलका स्टार्टिंग में बहुत जो है ना प्रैंक कर रहा था, और मुझे जब स्टार्टिंग में एंट्री हुई थी तो सबसे ज़्यादा मुझे तहलका ही पसंद आ रहा था। मुझे था कि भाई तहलका इतने प्रैंक करेगा, इतना लोगों को तंग करेगा, और तहलका इतना तंग करेगा कि हद नहीं है। पर तहलका ने भाई साहब, तहलका तो आके खुश हो गया। तहलका जैसे ही आया, तहलका ने भाई साहब एक दो प्रैंक किए, एक दो प्रैंक करने के बाद तहलका अपने बेड से उठता ही नहीं है। तहलका कोई बातचीत नहीं करता। तहलका अरुण को बोल देता है कि भाई कल से तू देखना इनकी ऐसी बैंड बजा देंगे। वो बैंड बजती नहीं यार, वो बैंड बजती नहीं है। और सारे
टेलिका से किसी को दुश्मनी नहीं है, सबको बताया अगर टेलिका से किया तो अरुण से और कोई भी दो दुश्मन साथ नहीं लेके आना चाहते, बट लोग टेलिका को इसलिए कर रहे हैं नॉमिनेट क्योंकि एक रीजन है उनके पास, अगर वो बोलेंगे तो वो रीजन एक देखा जाए तो एक वैसे सही भी है कि वो सारा दिन सोया रहता है, इस वजह से भी नॉमिनेट उसको करना सही। फिर आ जाते हैं टेलिका और अरुण दोनों के दुश्मन अभिषेक। अभिषेक आ जाते हैं और अभिषेक की अब गेम बस इतनी रह गई है कि वो लोगों को टारगेट करता है। ठीक है, पहले आगे क्या नाम है उस ईशा, ईशा के वो बलबते पे चल रहा था, ये वो झगड़े चल रहे हैं ये वो। उसके बाद जब आ गया था चिंटू तो उसने कहा चिंटू को टारगेट करते हैं, चिंटू से अब मिलेगी फुटेज, चिंटू को जो है ना वो टारगेट करी जाए, चिंटू से बाप झगड़े ये वो हर चीज़। उसके बाद चिंटू भी साला हराम ही, वो बात ही नहीं कर रहा, वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, वो यहाँ की बात वहाँ करने में बस है इंटरेस्टेड, तो चिंटू को भी साइड हो गया। अब आ गई खानजादी से फुटेज मिल रही है उसको, बट इन द एंड वो ये बोल गया था कि गेम अभी बाकी है, 3 महीने पड़े हैं गेम में, पर उसने वो अपने सारे पत्ते पहले ही खोल दिए। उसने खानजादी को भी सीधा कर दिया कि जो है ना तुम कैमरा को देख के ये करते हो वो करते हो, सेम चीज़ वो भी कर रहा था, ऐसे नहीं था सब खानजादी कर रही, बट उसने सारे पत्ते खोल दिए। और इस चीज़ से वो भी अब मुझे लगता है कि अब थोड़ा साइड हो गया क्योंकि उसने विकी भाई पे भी पंगा ले लिया और विकी भाई का दिमाग चल रहा है कि उससे मैं एक टाइम पे लूंगा बदला, इसी चीज़ का बदला लूंगा, और मुझे लगता है विकी भाई इसको धोएगा। अब आ जाते हैं हम दो बंदों को साथ में ही रिव्यू करते हैं, वो कौन है भाई, रिंकू और जिग्ना। मैं दोनों को एक साथ रखता हूँ, रिंकू और जिग्ना। सिर्फ किचन संभाल रही है, वो भी पहले पूरे घर का चला रही थी, पर अब किसका, दम के घर का। और मुझे लगता है कि रिंकू और जिग्ना सिर्फ किचन के सिवा अगर छोड़ दे तो किसी ब्लैक नहीं। रिंकू फिर भी अपने पॉइंट्स रखती है, बताती है, झगड़े करती है, ये चीज़ दिखाती है, अपनी बातें आगे रखती है, बट जिग्ना वही फिर से जेल वाली बातें हर चीज़। अगर वो जेल वाली बातें हमें सुननी है तो हम नेटफ्लिक्स पे चले जाएंगे, आपका यहाँ में क्यों देखेंगे। तो मुझे नहीं लगता मैं जेल वाली बात पे उसको जो है ना गंदा बुरा नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अब वो बातें हो चुकी हैं, अगर वो बातें अगर करे भी तो अपने घर वालों से करे, क्योंकि यहाँ पे उसको कोई दुनिया देख रही है, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। वो उन बातों को छोड़ के अपने पॉइंट्स आगे रखे, अपने घर के पॉइंट्स रखे, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर रही। वो और टहलका मैं एक ही लाइन में रखूँगा, अगर जाना चाहते हैं, अगर 3 लोग एक साथ जाना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले रखूँगा जो है ना खानजादी को या चिंटू को सबसे पहले पॉइंट, दूसरा जो पर्सन होगा वो होगा रिंकू और 3 जो होगा वो टहलका। फिर आ जाती है ईशा। ईशा बहुत अच्छी गेम खेल रही है, मेरे ख्याल से ईशा बहुत अच्छी गेम खेल रही है यार। देखा जाए तो उसके रिलेशन कुछ भी हो, दो रिलेशन, दो जने फंसाए, कुछ भी किया, किसी का भी काटा, पर फिर देखा जाए कि अगर ईशा को पकड़ा जाए तो भाई ईशा अपनी गेम खेल रही है। वो देखा जाए तो अंकिता को भी नहीं छोड़ रही, कहीं पे वो अंकिता को भी नॉमिनेट कर रही है, फिर अंकिता की साइड ले रही है, वो किसी को भी नहीं छोड़ रही, अपने हिसाब से वो सही गेम खेल रही है और उसको खेलने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वो अभी क्या है कि वो चिंटू को भी जो है ना सही से सीधा कर देती है, अभिषेक को भी सही से सीधा करती है, किसी की साइड नहीं, अपनी गेम पे फोकस कर रही है, अच्छी बात है। अब आ जाते हैं हमारे फेवरेट अनुराग बाबा पे। अनुराग बाबा जो है ना अपनी गेम अब जाके बहुत अच्छी खेल रहे हैं, वो अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, यहाँ तक कि वो सलमान खान को भी नहीं छोड़ रहे, उनको ये नहीं पता कि वो भाई अगला बंदा फ्यूचर तबाह कर देता है, इस बंदे को नहीं पता ये एक तो बाइक राइडर ही है, तो इसको ये भाई फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा देगा तुम पे, कोई भाई साहब इसको दिमाग ही नहीं है। चलो ये अपनी गेम बहुत अच्छी खेल रहा है, और मीमर्स को भी मैं इतना बोलना चाहूँगा कि यार अब थोड़ा इसकी साइड भी लो। हाँ वो दोगला बंदा है, उसने अभिषेक को जो है ना दोगलेपन में फंसा के जो है ना एलविश की साइड ली, नो डाउट, बट अब हमें अनुराग इज इंसानियत दिखा के अनुराग की भी साइड लेनी चाहिए, क्योंकि वो अपने पॉइंट्स रख रहा है, वो अब गेम अच्छी खेल रहा है, हमें उसको थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ी तारीफें करके फिर दबेंगे उसको थोड़ा अनुराग। और घर में भी उसके साथ बहुत गलत हो रहा है क्योंकि हर कोई उसके खिलाफ है, उसने क्या एक प्लेट अरुण पे तोड़ दी, सब लोग पागल हो गए, क्योंकि मुझे पता है कि मुनव्वर उसके खिलाफ है। मुनव्वर तो मैं देखा जाए ना सारे यूट्यूबर्स के जितने भी घर में यूट्यूबर्स हैं मुनव्वर सबके खिलाफ है, नो डाउट एज अ मुस्लिम। मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा कि मुनव्वर सिर्फ दिमाग की गेम खेल के अंधा होके वो मनारा सिर्फ और सिर्फ पीछे इसलिए वो मनारा को मुँह भी ना लगाए, जितना मनारा उसकी पीठ पीछे बातें कर रही है ना उसके बारे में, वो मनारा का मुंह तोड़ने में आ जाए, पर वो मनारा का मुंह उसके नहीं तोड़ रहा, वो बेइज्जत हो रहा है बस गेम जीतने के लिए, वो बेइज्जत हो रहा है उसको है। हाँ भले मैं बेइज्जत हूँ, मनारा जो भी मुझे बारे में बोलती रहे, मुझे मुंह पे उसको कुत्ता भी मनारा बोल देना वो ये नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जीतने का रास्ता सिर्फ मनारा है, क्योंकि बिग बॉस मनारा को प्रमोट कर रहा है और जो मनारा को सपोर्ट कर रहा है बिल्कुल उसको साथ साथ लेके चल रहा है, ये स्ट्रेटेजी रख रहा है मुनव्वर। सेम अनुराग के साथ है कि वो मुनव्वर अनुराग के खिलाफ है,
अरुण के खिलाफ है, तहलका के खिलाफ है, वो सारे यूट्यूबर्स के खिलाफ है, ताकि उस यूट्यूब से जो सपोर्ट मिले वो सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर को मिले। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब हमें हर एक यूट्यूबर को सपोर्ट देनी चाहिए। यहाँ तक अगर टीवी स्टार को बिग बॉस सपोर्ट दे रहा है, मनारा को दे रहा है फिल्म, तो हम किसको यूट्यूबर्स को तो सपोर्ट कर सकते हैं। तो अनुराग को थोड़ी बहुत सपोर्ट करो। अब हम बात करते हैं खानजादी के बारे में। खानजादी भी अपनी गेम अच्छी खेल रही थी तब तक जब तक वो मनारा में नहीं फंसी। मनारा में फंस के उसने एक गलती की कि मनारा से तो मेरी दुश्मनी है, मैं कह रहा हूँ कि मनारा मुझे सबसे गंदी लग रही है, बट खानजादी मनारा में फंस इसलिए फंस गई है क्योंकि उसने मनारा के चक्कर में सलमान खान से पंगा लिया। अब बिग बॉस और सलमान खान दोनों मनारा के पीछे, वो मनारा को नॉमिनेट लोग करेंगे वहां पे घर के अंदर, जैसे नॉमिनेट करेंगे और वोट कम भी आए या बढ़ भी गए तो दो दो जने भी साथ नॉमिनेट हो सकते हैं। मैं तो भाई बता रहा हूँ कि तुम लोग जो समझ रहे हो कि भाई साहब पर इस बार बिग बॉस बाईस है और वो छीन देगा, खानजादी को छीन देगा, तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि भाई साहब खानजादी अब गई। अब आ जाते हैं सना पे। मुझे था कि सना भाई क्या ही गेम खेल रही है, सना तो वकील है फिर बोलती नहीं है, खामोश रहती है, चुप रहती है, वो बट सना अपनी दिमाग का बहुत अच्छा यूज कर रही है, यहाँ तक कि वो अपने घर में भी सबको धो रही है। उसके घर के बंदे को उसने जो है ना नॉमिनेट करके थोड़ा गलत किया, बट वो विकी के बातों में भी नहीं आ रही। पर मुझे लगता है कि इस बार उसको विकी की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि विकी की बातों में पहले आती तो फिर भी अच्छा था, पर अब अगर आई तो वो अपनी बीवी का और खुद का बदला लाजमी उससे लेगा। बात करते हैं बाबू शोना के बारे में। बाबू शोना आपको पता वो कौन होगा, नील और ऐश्वर्या। नील तो अच्छा खेल रहा है अपनी तरफ से, बहुत अपनी एफर्ट दे रहा है, बाकी ऐश्वर्या पता नहीं क्या कर रही है। यहाँ तक कि मैंने एक चीज़ नोट की, जब खानजादी की लड़ाई हुई थी ऐश्वर्या से रिसेंटली, जो झगड़ा हुआ था दो दिन पहले, उसमें खानजादी ने सिर्फ इतना ऐश्वर्या को कहा कि यार वो जो तुम लोग बातें कर रहे हो, अगर मेरे बारे में कर रहे हो तो ना करो, क्योंकि वो अभिषेक जो है ना गलत बोल रहा था और झूठ बोल रहा था। तो ऐश्वर्या उसको बोल रही है खानजादी तुम मेरे बीच में कैसे, वो नील तो यार ऐसा अपनी बीवी को सपोर्ट करेगा, ठीक है, उसमें हम नहीं बोल सकते कि नील बीच में क्यों आता है, ये वो अगर विकी भाई नहीं आते वो दूसरी बात है, पर नील तो करेगा। बाकी ऐश्वर्या मुझे नहीं लगता कि कोई गेम खेलने आई है। ऐश्वर्या को जो है ना जब बिग बॉस ने बुला के डेट वगैरह करवाई थी नील की उसके साथ, तो मुझे लगता है ऐश्वर्या को दिमाग में एक चीज़ ये आ गई थी कि बिग बॉस में रहना है मुझे तो सिर्फ लड़ना पड़ेगा, पर वो एज अ बोनी वो अगर छोटे जो है ना हाइट वाली लड़ रही है सबसे तो कोई उसका फायदा नहीं, और वो अच्छी नहीं लग रही इसमें। यहाँ तक कि वो अपने हस्बैंड को ही नहीं छोड़ रही यार, वो उसको कह रही है बाबू हाथ नहीं लगाना मेरे को, तो ऐसा नहीं होता। बाकी ऐश्वर्या को भी कटाते हैं। अब आ जाते हैं नील पे। नील अपनी गेम बहुत अच्छी खेल रहा है, मैं तो नील को जो है ना 100 में से 100 दूंगा, क्योंकि वो अपने पॉइंट्स भी रख रहा है, वो विकी की बातों में भी नहीं आ रहा, यहाँ तक कि वो मुनव्वर की बातों में भी नहीं आ रहा, वो घर के काम भी सारे सही कर रहा है, अपनी गेम भी सही अपनी खेल रहा है, नॉमिनेशन का भी उसका एक फिक्स होता है कि भाई क्यों नॉमिनेट करना है ये वो हर चीज, तो वो अब उसके 100 ही कर रहा है। अब आ जाते हैं हमारे फेवरेट कपल पे, अंकिता और विकी भैया पे। यार विकी भैया मेरी तरफ से बहुत नेक्स्ट लेवल गेम खेल रहे हैं, और अंकिता जो है ना, अंकिता ने सलमान खान को भी यहाँ तक के बोल दिया कि विकी इतना अच्छा जा रहा है कि मैं जेल सॉरी उससे कि वो मेरी चीज़ें भी ना संभाले, आगे ड्रामा वगैरह हर चीज़ ना संभाले, फिल्म वगैरह। तो यार अंकिता जो है ना जेलस हो रही है, तो मुझे लगता है कि हम सब हो सकते हैं, अपनों से भी हम अपनों से कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो अंकिता एक हिसाब से अपनी गेम भी अच्छी खेल रही है, पर अगर वो इस चीज़ से जेलस होती है तो उसको थोड़ा अपना जेलसी को कंट्रोल करना चाहिए और विकी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अंकिता वैसे भी आगे जाएगी, बट अगर विकी इस चीज़ से जीत भी सकता है शो को, और विकी अपना इतना दिमाग अच्छा चला रहा है, इतना दिमाग अच्छा चला रहा है, मुझे ये कि मेरा फेवरेट जो है वो विकी भैया, और विकी भैया मुझे लगता है जीत सकते हैं, क्योंकि विकी भैया ने जो है ना इतनी अच्छी स्ट्रेटजी खेली, यहाँ तक उसने तहलका ग्रुप को भी इतना कहा कि तुम हमारे घर से वैसे ही नॉमिनेट हो, दिमाग के घर को जब मिला था कि भाई तुम एक जने को नॉमिनेट कर सकते हो, उन लोगों ने अभिषेक क्यों किया, पर विकी भैया ने एक चीज़ कही कि अभिषेक को करेंगे, इन द एंड उसको गिराएंगे, अभी अभिषेक को ना करो, अभिषेक की जगह हम ऐसे जने को करें कि अगर तहलका है नॉमिनेट तो हम ऐसा पर्सन देखें जो पहले से ही लो वोट लेके निकल जाए, तहलका ना निकल पाए। उसका मतलब था कि जिगना को करके हम जिगना को आउट करें, तहलका को बचा लें, पर वो नहीं समझे और अब तहलका खतरे में। अब इस वीडियो के बाद मेरी आप सबसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि यार कोई जियो सिनेमा को पाकिस्तान में भी अलाउ करवा दे ताकि हम भी देख सकें लाइव उसको। अब हम लाइव नहीं देख सकते हैं, हम यूट्यूब से जो है ना देखते हैं, कोई लाइव चला दे ताकि देख पाएं जो MCN से। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट्स में मुझे राय दें कि आपको कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है और आप किस पे कह रहे हैं कि उसका रीज़न भी बताएं। और बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब दिल से।